आज के इस वीडियो के माध्यम से एक न्यू अपडेट बताने के लिए मैं आपके साथ आ चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से एक वैकेंसी निकाली गई थी, वो वैकेंसी क्या कैंसिल कर दिया गया, क्या सच में उसे रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, इसके बारे में डिटेल्स जानकारी दिखाता हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, अगर उस वैकेंसी को वेबसाइट पर हटा दिया गया जबकि वो ऑनलाइन प्रक्रिया में शुरू था, सारा प्रोसेस हो चुका था। चलिए ऑफिशियल नोटिस इसके रिगार्डिंग जारी किया गया, पूरा डिटेल्स दिखाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके आप लोग संपूर्ण जानकारी देख सकते हो। सबसे पहले जानकारी दे दूँ कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आज अपडेट हुआ है नोटिस, जल्दी से सारे कैंडिडेट देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 4/2023 फार्मासिस्ट के लिए आवश्यक सूचना जारी किए गए हैं। इसमें यह लिखा गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक निर्धारित किए जाने की सूचना 10 जनवरी 2023 को समाचार पत्र में प्रकाशित की गई थी, जिसे अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है। यानी कि इसमें आपको बता दूं कि आज की डेट से फार्मासिस्ट का ऑनलाइन अप्लाई होना था, वेबसाइट पर पूरी प्रोसेस हो चुका था, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना के अपडेट भी किए थे कि ऑनलाइन ऐसे ऐसे करना है। पूरा डिटेल्स नोटिस भी हम डाउनलोड करके टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिए हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर अपरिहार्य कारणवश इसे स्थगित किया गया है, यानी कि रोक दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक। अब ये अगला आदेश कब तक है इसका कोई डेट फिक्स नहीं किया गया है, इसलिए अब इसका सारा चीज़ वहाँ पर से हटा दिया गया, वेबसाइट पर से ऑनलाइन होने वाला हटा दिया, डिटेल्स नोटिफिकेशन था उसको हटा दिया, सब कुछ हटा दिया गया। अब मेरे प्यारे साथियों, सभी को ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को, हमको लग रहा है कि जनवरी के लास्ट तक इंतजार करना पड़ सकता है। अब इसका मेन कारण क्या होगा वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मेन कारण यह हो सकता है कि परसों यानी कि मंगलवार के डेट में पटना हाईकोर्ट ने यहां पर जजमेंट दिए हैं कि डिप्लोमा में जो फार्मेसी किए सिर्फ वही फार्मासिस्ट के लिए आवेदन करेंगे, तो ये सारे मैटर हो सकते हैं। इसी की वजह से मे भी ऑर्डर आगे होंगे डिपार्टमेंट में, तो हो सकता है कि इसको कुछ दिन के लिए यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए स्थगित कर दिए हैं। इसलिए घबराना नहीं है, वैकेंसी रद्द नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है, पुनः आएगा, कुछ दिन इंतजार कर लीजिए, जनवरी अंत तक इंतजार करिए। हमें लग रहा है कि मैक्सिमम जनवरी बहुत हो गया, 7-8 दिन के बाद भी ये इशू खत्म हो सकते हैं, तो इसलिए परेशान नहीं होना है और आप लोग बने रहिएगा चैनल पर, कोई जानकारी आएंगे अपडेट देंगे। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।